वेलकम टू माई चैनल एंजल्स ऑफ प्लेस और मैं लौट आई हूँ एक नए फेस टू फेस टॉकिंग वाले वीडियो के साथ ओके okay? um, अगर आपके पास कोई सजेशन है कि इस सेक्शन को मैं क्या नाम दूँ कि मैं हर बार कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ कि मैं आती हूँ बैठती हूँ बात करती हूँ आपके साथ तो उसको कुछ कुछ नाम होना चाहिए राइट right? तो उसको क्या कहना चाहिए क्या इस सेगमेंट का नाम रखें अगर आपके पास कोई सजेशन्स हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए ओके okay. सो so, कुछ दिन पहले मैंने आई थिंक कल परसों में के दिन में ही मैंने पोल लिया था ऑन माई चैनल और पूछा था कि ये नेक्स्ट फेस टू फेस रीडिंग में मैं कौन सा वीडियो बनाऊँ सो so, आप लोगों ने 53 थ्री वोट्स फिफ्टी थ्री परसेंट वोट्स नॉट फिफ्टी थ्री वोट्स फिफ्टी थ्री परसेंट वोट्स देकर आपने इस टॉपिक को चुना है वाई इज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन नॉट वर्किंग फॉर मी बिग क्वेश्चन लॉ ऑफ अट्रैक्शन आजकल वीडियो देखकर काफ़ी सारे लोग करने लगे हैं एंड हर एक के दिमाग में ये सवाल होता है कि क्यों वर्क नहीं कर रहा वाई इज़ इट नॉट वर्किंग फॉर मे वाट्स गोइंग ऑन वाई इज़ इट नॉट वर्किंग फॉर मी क्या गलत हो रहा है क्या मिस्टेक हो रही है लॉट ऑफ पीपल मैं सेशन्स uh, भी जब लेती हूँ क्लाइंट्स के साथ बात करती हूँ तो दे ऑलवेज़ आस्क मी कि हाँ ये तो मैं करती हूँ फिफ्टी फाइव इंटू फाइव टेक्निक में करती हूँ एक ग्लास से दूसरे ग्लास में वो वो टेक्निक मैं करती हूँ बट क्यों क्यों फ़ायदा नहीं हो रहा ओके okay? सो so, आज हम कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसमें हमें पता चलेगा कि एग्जैक्टली exactly क्या गलत हो रहा है ओके आई एम अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिशनर माई सेल्फ मैं एवरी uh, डे मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करती हूँ एंड इट इट्स इट इट हैज वर्कड ओके इट वर्क्स आई कैन गारंटी यू दैट इट वर्क्स पर देर आर सम थिंगस मे बी जो मैं मेरी भी गलतियाँ हुई हैं कई और मैं जो गलतियों से सीखी हूँ वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी एंड काफ़ी आर्टिकल्स पढ़े हैं सी आई एम नोट अ पर्सन हु रीड्स बुक्स बट आई एम अ प परसन हू गूगल्स फॉर एवरी थिंग एंड काफ़ी बड़े बड़े लोगों के आर्टिकल्स पड़े हैं एक्सपीरियंसिस पड़े हैं एंड उस हिसाब से uh, मैं आप मेरी मेरी भी बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं काफ़ी टाइम से लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस कर रही हूँ मैं सो हाउ इट वर्क्स वाई हाउ इट वर्क्स वाई इट वर्क्स एंड वाई इज़ इट नॉट वर्किंग फॉर यू फॉर सम पीपल ये देखेंगे हम सो uh, so, मेरी फ़ोन में मैंने पॉइंट्स निकाल के रखे हुए हैं एक बार वन बाय वन विल चेक देम ओके मैं मेरा एक्सपीरियंस इफ आई आपको सुनना है तो एट द एंड ऑफ द वीडियो आई एल बी शेयरिंग दैट विद यू एज वेल ओके लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो सबसे पहली गलती जो लोग करते हैं वाइल लॉ ऑफ अट्रैक्शन वो प्रैक्टिस कर प्रैक्टिस करते वक्त वो ये है कि दे आर नॉट स्पेसिफिक ओके आई वॉन्ट मोर मनी ये अगर आपका अफर्मेशन है आपको पता होगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में अगर आपने वीडियो क्लिक किया है तो आपको पता होगा कि अफर्मेशन क्या होते हैं जिनको नहीं पता है शॉर्ट में बता देती हूँ अफर्मेशन इज़ अ सेंटेंस पॉजिटिवली चार्ज सेंटेंस विथ अप्रोप्रिएट वर्ड्स नो निगेटिव वर्ड्स और वो सेंटेंस uh, जो है वो सेट ऑफ वर्ड्स जो है वो आपका अफर्मेशन होता है इन देंस आप उसको यूज़ करते हैं टू अट्रैक्ट समथिंग टू रिपीट वो सेंटेंस आप रिपीट करते हैं ताकि जो रिपीटेशन में होता है वो यूनिवर्स तक काफ़ी जल्दी पहुँचता है ओके okay? Uh, जिसमें काफ़ी सारी पॉजिटिविटी होती है वो यूनिवर्स तक ज़्यादा ज़्यादा जल्दी पहुँचता है सो फर्स्ट थिंग जो मैं आपको कहना चाहूँगी इसमें वो ये है कि आप स्पेसिफिक नहीं हो रहे मे बी देखो कि आप फॉर uh, एग्जाम्पल uh, जैसे मैंने बताया आई वॉन्ट मोर मनी ये ये अफर्मेशन अगर है तो आप राह चलते हुए आपको दस रुपये का नोट भी गिरा हुआ पड़ा मिला एंड आपने वो उठा लिया देन दैट इज़ मोर मनी ओके okay, आपके पास सौ रुपए हैं आपको दस रुपए और मिल गए दैट इज़ मोर मनी बट दैट इज़ नॉट व्हाट यू वांट वो आपको नहीं चाहिए था राइट right? आपको दस रुपए ज़्यादा नहीं चाहिए थे सो यू योर मैनिफेस्टिंग मेक श्योर कि आप स्पेसिफिकली uh, वर्ड्स में बताने की कोशिश करें ये मत कहिए आई वांट मोर मनी ये कहिए कि आई वॉन्ट हंड्रेड रुपीज़ मोर आई वॉन्ट हंड्रेड रुपीज़ मोर भी मत कहिए आई वॉन्ट हंड्रेड रुपीज़ ओके तो वो किस ना किसी तरह से आपके पास स्पेसिफिक होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है स्पेसिफिकली बताओ कितना चाहिए क्या चाहिए ओके ऑल्सो अफर्मेशन की बात हो ही रही है तो मैं आपको ये भी एक बात बता देना चाहती हूँ कि अफर्मेशन में नो नॉट बट ऐसे वर्ड्स नहीं होने चाहिए जहाँ पे आप डाउट में हो खुद तो फिर कई लोगों का लॉ ऑफ अट्रैक्शन पूरा वो यूज़ करते हो फिफ़्टी फाइव इंटू फाइव टाइम्स जो है फ़िफ्टी फाइव टाइम्स एवरी डे लिखते हैं वो अफर्मेशन पूरा रटते हैं पूरा पॉजिटिविटी और शिद्दत के साथ वो लिखते हैं बट लिख के जैसा उठते हैं कुछ काम कर लिया उसके बाद आई वॉन्ट आई वॉन्ट मनी आई एम अ मनी मैगनेड बट मिलेगा क्या मुझे मिल सकता है क्या मुझे जहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ गया गाइज वो एक जो भी आप पच्चीस तीस मिनट लगा रहे हैं वो लिखने के लिए सॉरी जो भी आपको 25-30 मिनट लग रहे हैं आपको लिखने के लिए वो काफ़ी नहीं है ओके okay? आपको वो दिन भर प्रैक्टिस करना है आपको वो अपने दिन में लेकर चलना है उसको वो एक घंटा प्रैक्टिस करके कोई फायदा नहीं होने वाला ओके okay? आपके दिन दिमाग में वो बैठे रहना चाहिए आई वॉन्ट मनी आई एम अ मनी मैगनेट येस आई एम अ मनी मैग्नेट ओके फिर आई एम अ मनी मैगनेट मिलेगा क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है क्या कम ऑन यार आप ये पूछ रहे भगवान है क्या अगर आप भगवान की पूजा करने में पूरी होम हवन कर दिया घर पे और फिर शाम को आप बोल रहे हो भगवान है क्या नो यूज ऑफ इट राइट सो सबसे पहले आपको एक तो स्पेसिफिक होना है और ट्रस्ट रखना है सेकेंड पॉइंट जो है वो है योर बींग टू डेस्परेट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ओके गॉड दिस इज़ दिस इज समथिंग आई नीड टू एक्सप्लेन वेरी डीप लेट गो लेट गो मैं हमेशा कहती रहती हूँ मांगो छोड़ दो ऑलरेडी मिल गया ऐसा सोचो देखो आई अंडरस्टैंड क्योंकि आई एम अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस नर माई सेल्फ मैं खुद प्रैक्टिस करती हूँ मुझे पता है जब कुछ बड़ी चीज़ आप मांगते हो फिर आप उसको भूल नहीं सकते हो उसके बारे में सोचना चालू रहता है बट जब आप सोच रहे हो उस चीज़ के बारे में ऑलरेडी ऐसा सोचो कि आपको वो मिल गई है ये मत सोचो कि मिलेगी क्या मिल जाएगी एंड ऑल्सो गाइज ये भी मैं एक पॉइंट आपको बताना चाहती हूँ कि लोग कहते हैं ओके okay, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा पर्सनल ओपिनियन है लोग हमेशा ये करते हैं कि अगर ये नहीं मिल पाया तो ये करूँगा यानी कि बैकअप प्लान रखना अगर आप ब्लैक बैकअप प्लान रख रहे हैं देन इट समवेयर मीन्स कि आपको 50% आपका अटेंशन बैकअप प्लान में है यानी कि आप खुद श्योर नहीं हो उस चीज़ के बारे में देन हाउ विल लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क फॉर यू ओके आपको यू हैव टू प्रिटेंड लाइक यू हैव ऑलवे ऑलरेडी गॉट इट आपको ऑलरेडी वो मिल गया है ऐसे आपको प्रिटेंड करना है अगर आप बैकअप प्लान रख रहे हो दैट मीन्स योर नॉट ट्रस्टिंग कि आपको मिलेगा राइट right? बहुत छोटे छोटे नूक्स एंड कॉर्नर्स होते हैं देखो लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर आप यूज़ करना चाहते हो देन ये बैकअप बैकअप आई वुड आई विल हाईली सजेस्ट यू बैकअप बैकअप यूज़ मत करो अगर आपको कुछ चीज़ शिद्दत से चाहिए एकदम पैशनेटली चाहिए देन वो पेशेंस रखो कि वो मिले फिर बैकअप प्लान के लिए मत बैकअप प्लान में अपना आधा टाइम वेस्ट मत करो ओके okay? सो so, ये चीज़ है फर्स्ट थिंग जो है यू टू डेस्परेट आप काफ़ी ज़्यादा पीछे पड़े हो उस चीज़ के आप छोड़ नहीं रहे हो एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का टेक्निक काफ़ी होता है आप दिन में दस यूज कर रहे हो एंड देन यूर सेन कि नहीं हो रहा है बिकॉज आप उससे यूनिवर्स को काम करने के लिए मौका ही नहीं दे रहे हो आप बच्चे को खिलाए जा रहे हो खिलाए जा रहे हो खिलाए जा, खिला जा रहे हो रुको कि वो डाइजेस्ट भी तो करना चाहिए ना वो बच्चे ने सो so, ये जिस एग्जाम्पल की तरह से बता रही हूँ मैं आपको वक्त देना पड़ेगा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा ओके okay, यूनिवर्स आपको चीज़ें देता है डेफिनेटली देता है आप मांगते हो रोते हो बच्चे की तरह देता है देता है वो चीज़ें बट हर एक चीज़ का सही वक्त एक तो होता है एंड सेकेंड थिंग ये है कि उसको काम करने के लिए चाहिए उतना वक्त ओके okay? उतना हमको देना पड़ेगा एंड सेकेंडली अगर आप दस बार वही जिद कर रहे हो ना आप देखो पापा के सामने भी आप जाके एक दो तीन बार मांग लो वो समझते हैं पर आप दिन भर उनके पीछे किन 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 करते रहना फिर वो ये कहेंगे कि भाई तेरे को इतना चेंज नहीं दूंगा मैं okay? मेरे पीछे दिमाग खराब मत कर दूंगा मैं पर रुक तो यही होता है ओके okay? दस चीजें मत यूज करो दस चीजों से अपनी लाइफ को कॉम्प्लिकेट मत करो ओके okay? और, और मैं उसमें हर वीडियो में कहती हूँ एक एक चीज किसी एक को फॉलो करो हर एक का अलग अलग होता है ओके okay, हर एक का प्रैक्टिस करने का तरीका अलग होता है आपका भी डेफ़िनेटली अलग होगा किसी हर किसी और से बट किसी एक को फॉलो करो प्रॉपरली हर हर चीज़ से एक एक चीज़ें उठाकर अपना एक नया खिचड़ी बना दी लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज साइंस लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज़ लाइक अफर्मेशंस ये सारी चीज़ें हम यूनिवर्स से मांग रहे हैं साथ ही हम अपने दिमाग को ट्रेन कर रहे हैं ये मैंने आई थिंक परसों ही किसी क्लाइंट के साथ शेयर किया था साइंस की तरह ही है वो दैट क्लाइंट वॉज नॉट वेरी ओपन विद मैजिक एंड विथ यूनिवर्स एंड एवरी थिंग सो साइंस एक्चुअली ये प्रूव करता है कि अगर हम कुछ अपनी दिमाग को सिखाएं अपने दिमाग को समझाएं तो हमारी बॉडी हमारा सोल हमारी फिजिकल एवरी थिंग एक um, पीछे पड़ जाता है उस चीज़ के uh, पीछे और देन वी गेट इट बट देर इज़ अ थिन लाइन बिटवीन वॉट यू वॉन्ट वॉट यू आस्किंग फॉर प्रे क्या कर रहे हो आप और आप, आपका डेस्परेशन वो मुझे चाहिए ओके okay? ये एक कॉन्फिडेंस होता है ये एक अपना स्टैंड होता है वो मुझे चाहिए ही चाहिए नहीं तो मैं नहीं जीऊँगा ये एक जिद है ओके सो कीप इन माइंड कि आप डेस्परेट नहीं हो रहे हो उस चीज के पीछे पीछे नहीं पड़ रहे हैं लाइक पागल पागलों की तरह पीछे नहीं पड़ रहे टाइम दीजिए फॉर इट टू वर्क ट्रस्ट कीजिए कि वो वर्क करेगा कुछ लोग हैं फाइव फिफ्टी फाइव इंटू फाइव का टेक्निक एक बार करते हैं एंड दे आर लाइक मैंने फिफ्टी फाइव इंटू फाइव किया एंड मेरा अफर्मेशन था आई एम रिच एंड सक्सेसफुल पर पाँचवें दिन पर मैंने देखा छठवें दिन पे देखा आई वॉज तो नॉट सक्सेसफुल मोन यार ओके okay, पाँच दिन में कुछ बदलने नहीं वाला यू हैव टू डू देखो अगर आप कुछ गिफ्ट मांग रहे हो पाँच दिन में ये पाँच दिन में मुझे खोई हुई मेरी पेंस, पेंसिल वापस मिल जाए मिल जाएगी राइट right? आप रीज़नेबल रहो ओके okay? रीजनेबल रहो क्या मांग रहे हो सोचो कैसे मांग रहे हो सोचो कितना टाइम देना पड़ेगा सोचो ओके थिंक अबाउट इट आप जो मांग रहे हो वो फिजिकली पॉसिबल है क्या ये देखो ओके okay? um, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि न इम्पॉसिबल होता है रिच होना सक्सेसफुल होना लॉ ऑफ अट्रैक्शन से बट इट नीड्स टाइम इट नीड्स योर पेशेंस इट नीड्स योर मेहनत एज वेल आप बैठे बैठे घर पर एक चार दीवारी के अंदर आई एम रिच सक्सेसफुल कह के रिच एंड सक्सेसफुल नहीं होंगे राइट right? सो so, आपकी इफ़र्ट्स जो है उसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन उस वक्त साथ देगा ओके okay? सो so, ये था सेकेंड पॉइंट डेस्परेट नहीं होना फर्स्ट थिंग डेस्परेट बिल्कुल नहीं होना और एंड बी रीज़नेबल कि आप क्या मांग रहे हैं कैसे मांग रहे हैं okay? ओके कितना टाइम में आप चाहते हैं कि वो हो वो भी आप स्पेसिफिकली कह सकते हैं यूनिवर्स को जैसे फर्स्ट पॉइंट में मैंने बताया आपको स्पेसिफिक रहना काफ़ी ज़रूरी है आई आई एम रिच एंड सक्सेसफुल पर कब अगर आपको अगले साल में ही होना है तो वो टाइम बता दीजिए यूनिवर्स को ओके okay? और, और जैसे मैंने कहा टू शॉर्ट सम ऑफ द पॉइंट कि एक 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 चीज़ करो सारी चीज़ें एक साथ शुरू मत करो ओके ट्राई दिस आउट थर्ड पॉइंट जो है आप इमेजिन कहीं ना कहीं रॉन्ग कर रहे हैं विजुअलाइजेशन कहीं ना कहीं रॉन्ग कर रहे हैं गाय फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि एक आर्टिकल में पढ़ा था और मैंने ये और मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा ओके um, उसमें कहा था कि आप रेस्टोरेंट में जब जाते हो और डिश का नाम पढ़कर आप जब ऑर्डर करते हो तो आपके दिमाग में एक पिक्चर बन जाता है हमेशा कि ये ऐसा दिखेगा ऐसा होगा ऐसा टेस्ट करेगा आप इमेजिन करते हो राइट आप इमेजिन करते हो आप वहाँ पे किचन में जाके उनको बनाने का इंस्ट्रक्शन नहीं देते कि मेरे दिमाग में तो रेड कर रही है तो रेड ही बनाओ उसको या फिर ऐसा कुछ या फिर इतनी ही नमक होना चाहिए इतना ही उस पर गार्निशिंग करो टमाटो ऐसे कट होने चाहिए ये यू डोंट डू दैट आप टांग नहीं अड़ाते उधर आप ऑर्डर करते हो आप वेट करते हो फिर वो बनकर आ जाता है एंड फिर आप डिसाइड करते हो अच्छा है या नहीं वो बात की बात है ओके जैसा आपके पास आपके लिए था वगैरह बट आपको मिलता है राइट right? आपको मिलता है सो द थिंग इज़ कि जैसे मैंने कहा अगेन वेट वेट का एक बहुत इंपॉर्टेंट uh, मुद्दा है इसमें और और एक थिंग है कि आप इमेजिन करो और वो बनकर मिलेगा आपको अब जैसा चाहिए था वैसा मिलेगा ऐसा नहीं है बट मिलेगा एंड जो अच्छा होगा आपके लिए वही मिलेगा ओके सो डोंट वरी अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक बार स्टार्ट कर दिया आपने वहाँ पे ऑर्डर दे दी है अभी आपको बस इमेजिन करना है कि वो कैसा टेस्ट करेगा वो कैसा दिखेगा वो कैसा खाने के बाद कैसा फील होगा वो आपको इमेजिन करते रहना है विजुअलाइज करते रहना है ओके ये बिल के बारे में मत सोचो ओके वो अंदर क्या कर रहे हैं कैसे बना रहे हैं उसके बारे में मत सोचो आपको खाकर कैसा लगेगा आपको टेस्ट पसंद टेस्ट कैसी लग रही है हुँगी? दिखेगा कैसा है वो डिश इसमें इसमें फोकस करो ओके okay? इमेजिनेशन आप क्या करते हैं? आप रॉन्ग इमेजिनेशन करते हैं कि वहाँ क्या चल रहा है जो अगर आपने फॉर एग्जांपल uh, किसी आजकल लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है लोग लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए मैं वो भी वो पॉइंट आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बट एट द एंड ऑफ द वीडियो सो स्टे ट्यून्ड आज लोग जो है uh, किसी को अट्रैक्ट करने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करते हैं पर उनका क्या चल रहा होता है अट्रैक्ट करने के लिए अफर्मेशन तो यूज़ कर देते हैं फिर उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है ये ये पूछते रहते हैं ओके कि आ, वो अभी उस उस उनकी करंट फीलिंग्स क्या है उनका ये क्या है उनका वो क्या है ओके अरे भाई आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर लिया कुछ टाइम तो जाने दो अभी उनका उनके फीलिंग्स में चेंज आएगा पर जब आएगा तभी वो पता चल जाएगा आपको आपके पास आ जाएंगे वापस आप डेस्परेशन दिखा रहे हैं अपना पीछे पड़ रहे हैं आप उस चीज़ के ओके सो तो थोड़ा काम डाउन डोंट वरी ओके अगेन सेकेंड पॉइंट रिपीट हो रहा है इसमें डेस्परेशन और साथ ही आप इमेजिन ये करो कि जब वो रिटर्न आएंगे आपकी लाइफ में तो क्या होगा ये ये मैंने एग्जाम्पल के लिए दे दिया मेरे मुझे क्या लगता है लव के बारे में वो मैं आपको बताऊंगी एट द एंड ऑफ द वीडियो कुछ पॉइंट्स हो जाने दीजिए मैं बताती हूँ अबाउट लव जो है उसके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है काम नहीं करता है मैं आपको बताऊंगी फोर्थ पॉइंट है यो यू हैव टू फेक इट टिल यू मेक इट आप क्या कर रहे हो आप कहीं ना कहीं उसको जी नहीं रहे जो आपने मांगा है उसको आप जी नहीं रहे ओके okay? जैसे आई एम रिच एंड सक्सेसफुल पर अगर आप वैसा फील नहीं करो अंदर से तो फिर वो नहीं होगा ओके okay? आपको वैसा माहौल क्रिएट करना है अपनी लाइफ में कि मैं ऑलरेडी जो चाहिए मैं अचीव कर चुका हूँ या फिर कर चुकी हूँ ओके यू है यूल हैव टू फेक इट टिल यू मेक इट ओके पता नहीं इट इज़ लाइक ये साउंड बड़ा बड़ा गंदा करता है कि फेक कैसे बने एंड ऑल दोज थिंग्स बट गाइज लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है आप अपनी लाइफ में उस चीज़ के लिए जगह बनाना शुरू कर दो ओके okay? आप अपनी लाइफ उसकी तरह uh, वो अगर चीज़ आपकी ज़िंदगी में आ गई तो उसकी तरह से ढलना शुरू कर दो अपनी ज़िंदगी ओके okay? वैसा ग्राफ बनाने लोगों अपनी ज़िंदगी में एंड देन विल सी द चेंजेस आपको उसमें बिलीव करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ओके okay? अभी मैं बताती हूँ आपको फिफ्थ पॉइंट आखिरी पॉइंट एंड uh, ये मेरा कंप्लीट एक्सपीरियंस है जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा वीडियो में uh, मैंने गाइस खुद कभी uh, ये लव के बारे में सो so मैंने गाइस कभी खुद लव अट्रैक्ट करने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ नहीं किया कभी नहीं किया ओके okay, ज़रूरत नहीं पड़ी ओके okay, पर काफ़ी लोगों को मैंने सजेस्ट किया है मैं उन्हीं लोगों को सजेस्ट करती हूँ जो काफ़ी जैसे मैंने कहा डेस्परेट हो जाते हैं कि आ, मैं रीडिंग्स में बता रही हूँ उनको कि नहीं हो पाएगा ये टॉक्सिक रिलेशनशिप है ये कार्मिक रिलेशनशिप है इट्स नॉट गोना वर्क बट दे कीप ऑन आस्किंग मी वो वापस आएगा क्या वो चाहिए मुझे आप कुछ भी करो उसे वापस ले आओ सो so, उस वक्त में मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन उन्हें वीडियोस भेज देती हूँ अगर आप चाहते हैं तो ये प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि कुछ लोग जो होते हैं ऑन अनाथ डेस्परेशन लेवल होते हैं और उनको उस वक्त में सिर्फ शांति दिमाग की शांति की ज़रूरत होती है ओके थोड़ा सा काम डाउन धरती पर आने की ज़रूरत होती है रियलिटी चेक मिलने की ज़रूरत होती है और इसलिए मैं सजेस्ट करती हूँ उनको बट लव uh, के साथ जितना भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन जितना मैंने पढ़ा है अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन उस हिसाब से देखा जाए तो मुझे नहीं लगता पर्सनली कि आप किसी को किसी इंसान को लवर को आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन थ्रू अट्रैक्ट कर सकते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैंने जैसे पहले कहा इज़ अ टेक्निक टू ट्रेन योर ओन माइंड ओके टू अट्रैक्ट समथिंग फॉर योर सेल्फ जैसे मैंने आज अभी तक के जो भी पॉइंट्स आपको बताया कि आपको आपका रॉन्ग क्या हो रहा है इस ये सबसे बड़ा हो सकता है कि आपका रॉन्ग हो रहा है कि आप लवर को किसी इंसान को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में न वाई दिस डज़ नॉट वर्क अगेन बहुत लोग बहुत वीडियोज़ हैं जिसमें कहा गया है कि लवर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं उनका कॉल आने के लिए कर सकते हैं बट वॉट आई थिंक ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ वॉट इज़ माई एक्सपीरियंस मुझे किसी को अट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है अभी वो 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 अदर टॉपिक है मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉर लव कभी यूज़ नहीं किया वो अलग टॉपिक है बट फॉर एक्सपेरिमेंट्स आई डू दीज थिंग्स ओके एक्सपेरिमेंट के लिए मैं करती रहती हूँ ये चीज़ें uh, कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करती हूँ कि किसी का कॉल आ जाए एंड वैसा मेरी ज़िंदगी में मेरे साथ कभी नहीं हुआ है क्योंकि okay? अभी इसमें मुझे क्यों लगता है कि ऐसा नहीं है वो भी मैं आपको बताना चाहती हूँ फर्स्ट थिंग जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसे मैंने कहा इट इज़ इट इट वर्क्स ऑन योर एनर्जीज़ योर वाइब्रेशंस और आप आपके ठीक है आपने वाइब्रेशन हाई कर लिए आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन शुरू कर दिया यू यू आर वाइब्रेटिंग हाई यू आर अट्रैक्टिंग थिंग्स बट वो सामने वाले को अट्रैक्ट जिसको करने की कोशिश कर रहे हो उसके भी तो वाइब्रेशन वैसे चाहिए ओके okay? साथ ही आप जो है न, एक सपोज फिफ्टी फाइव इंटू फाइव का टेक्निक कर रहे हो उसमें आपने मतलब मैरिज मेरी ज़िंदगी में मैंने नोटिस किया है कि छोटी छोटी चीज़ें काफ़ी जल्दी हो जाती है और बड़ी बड़ी चीज़ें जो है नहीं होती है जो टाइम लगता है होती हैं होती हैं पर टाइम लगता है मैं आपको छोटी सी चीज़ बता देती हूँ अबाउट माई एक्सपीरियंस बिकॉज़ ये ये जो एंजल ऑफ ब्लिस है इट्स लाइक माई लिटिल फैमिली एंड आई वोट शेयर दिस विद यू गाइज मैंने आई थिंक छः सात महीने पहले uh, मेरा यूट्यूब चैनल भी नहीं चल रहा था एवरी ओके के बट छः सात महीने पहले मैंने अपनी uh, अपने डेस्क पे सिजिल मैजिक uh, के थ्रू वो भी एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ही टेक्निक है सो सिजल मैजिक के थ्रू मैंने मैकबुक प्रो अट्रैक्ट करने की करने के लिए सिजिल बना के रखा अगर आप चाहते हैं मैं सिजिल के ऊपर वीडियो बनाऊँ सिजल मैजिक टू अट्रैक्ट थिंग्स इन योर लाइफ बिकॉज इट हैज़ वर्क फॉर मी दैट्स वाई मैं आपको बताना चाहती हूँ तो मैंने मैकबुक प्रो के लिए uh, सिजल बना के रखा था एंड येस्ट आई परचेस्ड मैकबुक प्रो सो रियली रियली हैप्पी सो उतना यूनिवर्स ने मुझे कैपेबल बनाया इस वक्त में कि मैं उतनी बड़ी चीज़ ख़रीद सकूँ मेरी ज़िंदगी में क्योंकि दिस इज़ माई फर्स्ट एप्पल प्रोडक्ट ओके सो अगर आप चाहते हैं मैं सिजल मैजिक के ऊपर वीडियो बनाऊं आपको एक्सप्लेन करूं कि कैसे करते हैं कैसे अट्रैक्ट करते हैं देन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए मुझे सिजल एस आई जी आई एल ज़रूर बताइए मुझे अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं ज़रूर वीडियो बनाऊँगी सो द थिंग इज़ कि जब आप अपने लिए मैनिफेस्ट uh, करते हैं तो वो जिस तादाद में वर्क करता है लाइक आई एम प्रोटेक्टेड आई एम हैप्पी आई लव माई सेल्फ आई एम इनफ आई एम अ मनी मैगनेट ये सारी चीज़ें जब आप अफर्मेशंस बनाकर यूज़ करते हैं अपने लिए आपने नोटिस किया होगा कि वो सबसे ज़्यादा जल्दी वर्क करती हैं आई एम स्पिरिचुअली अलाइंड यूनिवर्स इज़ विथ मी एंजल्स आर विथ मी ये सारी चीज़ें जो हैं आपको कई ज़्यादा फास्ट वर्क करती है और किसी और को अट्रैक्ट कर रहे हो आप तो मेरा तो एक्सपीरियंस ये रहा है कि कभी नहीं हो रहा कभी नहीं होता मेरे क्लाइंट्स का एक्सपीरियंस भी रहा है मैंने छोटे छोटे एक्सपीरियंस करके भी देखे हैं मेरे सो so, काफ़ी पढ़ा भी मैं है मैंने इस चीज़ के बारे में तो वो कभी नहीं वर्क करता इसमें मैं दो चीज़ें आपको बताना चाहती हूँ पहले तो आप उसके थॉट्स आप यहाँ बैठ के कंट्रोल नहीं कर सकते ओके यूनिवर्स हैज़ गॉट अ प्लान ओके अगर उस यूनिवर्स ने उसको आपसे अलग किया हुआ है तेन यूनिवर्स हैज़ गॉट अ प्लान और उस प्लान में आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन करो कुछ भी करो वर्क नहीं करेगा ओके okay, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं अगर आप अपने वो इंसान आपको पता नहीं है आपका कार्मिक है टॉक्सिक है वॉट एवर ओके हर चीज़ में आपको बताती हूँ मैं कार्मिक है टॉक्सिक है तो यूनिवर्स आपको वो इंसान रिटर्न नहीं देंगे ओके okay, अगर ट्विन फ्लेम है सोलमेट है तो आपकी जर्नी तय की गई है वो जर्नी को तोड़ कर मोड़ कर उसके दस टुकड़े कर कर यूनिवर्स आपको क्योंकि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन अट्रैक्ट यूज़ कर रहे हैं तो वो आपको नहीं देंगे वो जर्नी होनी ज़रूरी होती है आ, आप अट्रैक्ट भी कर दे फिर भी वो सेपरेशन हो जाएगा क्योंकि वो चीज़ें सेपरेशन में कुछ हैं जो आपको सीखनी है ये समझ लीजिए एंड अनादर फेज ऑफ दिस दिस इज़ दिस थिंग इज़ की मेरा ऐसा मानना है कि अगर किसी इंसान को आपको अट्रैक्ट अपनी जिंदगी में थ्रू लॉ ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन या फिर थ्रू ब्लैक मैजिक वाइट एनी काइंड ऑफ मैजिक आपको किसी और इंसान को अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट करना पड़ रहा है देन कोई फायदा है इस चीज का आई I मीन mean, मैं तो चाहूँगी कि अगर कोई इंसान मेरी ज़िंदगी में है अगर मेरा लवर है तो वो मेरे लिए मेरी ज़िंदगी में रहे क्योंकि वो मुझसे प्यार करता है क्योंकि वो मुझसे मेरे साथ रहना चाहता है मेरे अप्स एंड डाउन में मुझे सपोर्ट करना चाहता है नॉट बिकॉज मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन किया है उसको खींच के अपनी तरफ ले आई हूँ इसलिए वो मेरी ज़िंदगी में है एक बार ये सोच कर देखिए ओके okay, क्या आपको आप जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपने लवर के लिए इस्तेमाल कर रहे हो क्या आपको चाहिए कि वो इंसान उसके मर्जी के बिना क्योंकि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रही हूँ मेरी जिंदगी में आ रहा है राइट right? हर लड़की हर लड़का चाहेगा कोई भी एनी ह्यूमन बीन चाहेगा कि सामने वाला इंसान जो है मेरी जिंदगी में आए रहे क्योंकि वो मुझसे प्यार करता है ओके okay? सोच ये सोचिए अगर आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन किया वो इंसान आपकी तरफ आ गया वापस चला गया वापस अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन करके इसको वापस ले आए वापस वो इंसान चला गया फिर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रहे हो अरे क्या जिंदगी जी रहे हो फिर आप राइट right? वो इंसान आपकी ज़िंदगी में इसलिए होना चाहिए क्योंकि वो आपसे प्यार करता है क्योंकि वो हिम्मत रखता है आपसे प्यार करने की और उस प्यार को निभाने की राइट आई नो मैं काफ़ी ज़्यादा फिलोसॉफिकल हो गई हूं बट दिस इज द ट्रूथ एंड ये इसको आप ज, जितना जल्दी समझो उतना अच्छा है हाँ आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपने लवर के लिए तब इस्तेमाल कर सकते हैं वेन यू आर ऑलरेडी इन रिलेशनशिप ओके सॉरी और आप बात कर रहे हो प्रॉपरली और उसमें कुछ कमियाँ हैं तो आप उसको हील करने की कोशिश कर रहे हो जैसे कि आपके लवर हो सकता है अडिक्शन में है किसी बैड इन्फ्लुएंस में है तो आप उनको बैड इन्फ्लुएंस से निकालने की कोशिश करने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन वगैरह यूज़ कर रहे हो बट अगैन द नल से कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है जो आप अपने लिए करते हो जब आप अपने लिए करते हो तब वो सबसे ज़्यादा वर्क करता है दूसरों के लिए मेरे हिसाब से तो आप करके कोई फ़ायदा है नहीं ओके वो सामने वाला इंसान खुद करना चाहिए मेरे हिसाब से ओके एंड uh, उतना एक्सपीरियंस है उतना uh, पढ़ाई कर रखी है उतना चीज़ें देखी है लोगों की क्लाइंट्स को देखा है Uh, उस हिसाब से मैं आपको आपके साथ ये चीज़ शेयर करना चाहती हूँ अगेन um, uh, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है सोलमेट जर्नी में है कार्मिक हो तो फर्स्ट थिंग अट्रैक्ट ही मत कीजिए क्योंकि okay, वो टॉक्सिक इंसान अट्रैक्ट करे आप ज़िंदगी में डोंट अगर ट्विन फ्लेम है आप श्योर है उस चीज़ के बारे में देन उनकी जर्नी में उनको सपोर्ट मिले उनकी जर्नी जल्दी हो ये अफर्मेशन करके आप कर सकते हैं बिकॉज यू आर कनेक्टेड थ्रू सोल्स वो चलेगा वो वर्क करेगा बट अगेन ये मत करो कि वो मेरे पास जल्दी आ जाए उनके लेसन लाइफ लेसन्स जो है उनकी जर्नी जो है स्पिरिचुअल जर्नी वो उसको फास्ट फास्ट uh, हो जाए वो सारी चीज़ें ठीक हो जाए ओके बी रीज़नेबल ओके ऐसा अभी जिस मैस में वो इंसान है वैसा क्या वैसा आप अट्रैक्ट करके भी कोई फ़ायदा नहीं जिंदगी में उसको लेसन सीखने दो उसको समझने दो एंड देन आपकी अप, ज़िंदगी में आने दो ओके okay? ओके गाइज़ दिस वॉज द वीडियो वाई लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज़ नॉट वर्किंग फॉर यू आई थिंक आपके पॉइंट्स मैंने क्लियर कर दिए होंगे ओके लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड अगर आपके कोई क्वेश्चन हैं uh, तो आप मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सॉरी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मैं आपके सवालों के जवाब डेफिनेटली दूंगी कमेंट बॉक्स में नहीं दूंगी बट मैं वीडियो बनाऊंगी उसके ऊपर एंड ज़रूर मैं कम, आपको आपके साथ यू you नो know, बताऊंगी ऑल आपको मतलब शेयर करूंगी आपके साथ हर एक के क्वेश्चन का आंसर मिलेगा डोंट वरी साथ ही गाइज मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए क्योंकि वहाँ पे मैं काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग अफर्मेशंस टिप्स देती रहती हूँ और अगर वहाँ पे भी फॉलोअर्स बढ़ें अच्छे अच्छे रहें तो फिर मैं एवरी डे भी पोस्ट करूँगी वहाँ पे भी आई जी टी वी पर काफ वहाँ पर भी काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है कि मैं बैठूँ और आप लोगों के साथ बात करूँ साथ ही सोच रही हूँ कि फाइव थाउजेंड सब्सक्राइबर्स होने के बाद लाइव आऊँ और लाइव आकर आप सबके साथ शेयर करूं अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगेन गाइस मैं कार्ड्स और आपके आंसर्स नहीं देने वाली लाइव आकर मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन स्पिरिट गाइड्स एंजल गाइड्स इनके बारे में बात करूंगी सो so, अगर आपके उस रिलेटेड कुछ सवाल हैं और आप चाहते हैं कि मैं लाइव आऊँ तो फिर डेफिनेटली मुझे बताइए वी आर क्लोज़ टू फाइव थाउजेंड सब्सक्राइबर्स और थर्टी थाउजेंड सब्सक्राइबर्स सेकेंड चैनल पे भी हो गए हैं सो अगर आप चाहते हैं मैं लाइव आऊँ तो डेफ़िनेटली मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा